अजीजों और दोस्तों, तो आज मैं आया हूं कुसाल पार्क में और आज मैं आपसे आप लोगों को ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूं जो कि प्लांट मैन के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने अपना एक गार्डन बना रखा है और गार्डन में कई तरीके के जो है पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो चलिए मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, खैरियत है? जी जी, और बताइए, आपके यहाँ तो कई सारे मुझे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। आपने देखिए बोतल का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया, तो ये आपके माइंड में कैसे आया ये चीज़ कि हम पेड़ पौधे लगाएं? ठीक है, लोगों को पेड़ पौधे तोहफे में दें और इतने सारे आपने लगा रखे हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ, अभी आपके पास आता हूँ। ठीक है, ये देखिए कितने पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बोतलों का जो कितना अच्छा यूज किया है। ये देखिए, अभी जानेंगे इम्तियाज़ भाई से। ये देखिए कई सारे हैं, इन्होंने पूरा ये इनका मंसूरी गार्डन के नाम से इन्होंने बना रखा है। तो इम्तियाज़ भाई बताइए, कुछ आपके माइंड में कैसे ये आइडिया आया कि पौधे लगाए जाएँ और फ्री में बांटे जाएँ लोगों को? भाई मैं बताइए थोड़ा दर्शकों को हमारे। मैं एक बार गया था, एक नर्सरी थी टोनका सिटी में ना, मंदिर के अंदर। ठीक है, तो वहाँ के जो वो जो माली थे वो थे नहीं, तो मंदिर के पुजारी जी से मैंने कहा जी मुझे कुछ प्लांट चाहिए, तो उन्होंने ना मेरे से नाम पूछा सबसे पहले कि आप हिंदू हैं मुसलमान? तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने बेटा आप बताएं, डरे ना। मैंने बताया कि जी मैं मुसलमान हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप पौधे लेने आए, बहुत अच्छी बात है कि आपके जो मजहब के लोग हैं ना बहुत कम पौधे लगाते हैं अपने घरों में। तो मुझे कर उन्होंने बात हक कही, क्योंकि हमारे मुसलमान घरों में ना पौधे बहुत कम होते हैं। जी जी, तो पौधे लगाना क्या है, मतलब हम लगाना देखो अपने सुना है कि मजहब में है, जैसे कि मेरे बुजुर्गों के आस्थान पे जाओगे तो काफी पौधे होते हैं उनके आस्थाने पे, तो हाँ। जो मतलब छाया के ताल्लुक से भी इसका बहुत ज्यादा हाँ, पेड़ पौधे जी जी, पेड़ पौधे लगाना जो है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना यार हम इस चीज को करते थे। तो चलिए थोड़ा चलते चलते हम लोग बात करते हैं, थोड़ा आप बताते भी रहे कौन कौन से पौधे हैं। तो नमाज फजर के बाद ना मुझे वक्त मिलता है और थोड़ी लगन भी रहती है कि मैं फजर मुड़ सकूँ। माशाल्लाह, हाँ देखो ये क्या है, एक चीज मैं आपको एक थोड़ा सा टोकना चाहूंगी, बता दूँ कि माशाल्लाह ये काम भी करते हैं अपना, ठीक है, पास में ही एक जगह पर, और अपनी नमाज की पाबंदी भी करते हैं, वक्त अपने काम से वक्त निकाल कर, थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी नमाज जो है जो भी जिस टाइम वक्त होता है वो नमाज भी अदा करते हैं और अपना ये गार्डन का काम भी करते हैं और अपना परिवार की देखभाल भी करते हैं। चलिए मंसूरी जी बताइए, आप बता रहे थे। तो यही होता है कि जैसे नमाज फजर में हम उठे, उसके बाद ना आप बाहर दोबारा सो गए तो शरीर ना टूट। चलिए आ जाइए थोड़ा इधर, थोड़ा दिखा दें क्या है ये, इतनी बोतलें आपने कैसे कट्टे के अंदर मैंने पुदीना लगा रखा है। अच्छा, और ये देखिए बोतल, आप कितने प्यारी बोतल लग रही है, पीछे वाली उतारिये, ये वाली पीछे वाली, पीछे वाली। ओहो माशाल्लाह, ये तो आपने बोतल का काफी अच्छा यूज किया है ये। जैसे कि ये जो बोतल है ना, आप इस तरीके की पेप्सी की बोतल आप ग्रिल पे अपनी बांध दीजिए, बहुत ज्यादा हरियाली करेगी, जल्दी खराब नहीं होगी। काफी ऐसी बोतलें होती हैं, आप कहीं भी रख दीजिए, वेट भी कम होगा और हरियाली भी बहुत ज्यादा करती है। तो जैसे इस तरीके की बहुत ज्यादा मतलब बेहतर रहता है कि तो अगर मान लो कोई यहाँ पर अगर कोई आना चाहे और यहाँ से पेड़ पौधे ले जाना चाहे तो उसका क्या कुछ रुपए लगेंगे? नहीं नहीं, कोई सब फ्री है, सब फ्री है, सही बता रहे हूँ। तभी तो इनका नाम पड़ा हुआ है प्लांट मैन, ठीक है, ये आप फ्री में ले जाइए पौधे यहाँ से। जो भी आता है तो मैं कभी पैसे नहीं लेता, उसे जितने पौधे चाहिए ले जाए, जितने पौधे चाहिए सबकी कटिंग करके दे देता हूँ, और काफी मैं मोहल्ले पड़ोस में बांटते रहता हूँ। तो ये मतलब आपका कहना है मतलब ये पौधा मैं ले जा सकता हूँ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जितना चाहिए उतना लगाइए, जितने आपके पास गमले हो उतने लगाइए। चलिए शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। तो देखते हैं, ये काफी प्लांट है इसी तरीके से, जैसे सिंगोनिया में कितना प्यारा लगता है, ये इसकी बेल है, काफी बेहतरीन पौधा, इसे आप वाटर में भी चला सकते हो। अच्छा, इसे वाटर में भी चल जाता है पौधा, और ये तो आप जानते हो ये क्या है, ये ग्लोए की बेल है और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, अगर आप इसका मिसवाक मतलब दातुन करते हैं जब भी बहुत ज्यादा। अच्छा, बेनिफिट है। और एलोवेरा आप जानते हैं कि मतलब कितने आयुर्वेदिक। तो चलिए ये था इम्तियाज़ भाई का मंसूरी गार्डन, और इम्तियाज़ भाई जो है अपने दीन के काम के साथ समाज सेवा के साथ ये काम भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है नेचर यहाँ पर, और लोगों को फ्री में जो है पौधे बांटते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इस पेड़ पौधे लगाने से ना मुझे एक बेनिफिट हो रहा है, हम किसी नशे वाले के पास बैठने का वक्त नहीं मिलता मुझे, कि जैसे मतलब खाली वक्त हम किसी नशे वाले यार दोस्त के साथ बैठ जाए, वक्त नहीं मिलता, क्योंकि हरियाली में लगे रहोगे ना तो बड़ा सुकून मिलता है। नशे वालों से भी बचते हैं, जो आजकल तुम्हें पता है ना उल्टे सीधे उठ बैठ वाले, उनसे भी बचते हैं। तो सबसे बेहतर है कि आप हरियाली बढ़ाएं और अच्छी जगह जुड़े और मस्जिद से जुड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। माशाल्लाह इम्तियाज़ भाई से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। चलिए फिर कभी मुलाकात होगी, और आपने जो पौधा मुझे दिया है वो पौधा हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह।
और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें।